दोस्तों आज की कहानी है भाभी, मैं आपकी ननंद हूँ, बोझ नहीं सलो। दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। हाँ दीदी बोलो, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हैं? अपनी बहन निधि की आवाज सुनकर नैना ने पूछा। क्या हुआ दीदी, आज मम्मी जी बता रही थी मेरी ननंद आने वाली है छुट्टियों में। कौन नैया, तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? नैया का मायका है तो वो अपने मायके तो आएगी ही ना, और जहाँ तक मुझे याद है पिछले साल की छुट्टियों में वो आ नहीं पाई थी। वाह दीदी, आपको तो सब याद रहता है, कहो तो आपके घर भी भेज दो, अपनी दीदी को सेड़ते हुए निधि ने कहा। तो नैना भी हंसने लगी। मैं उदास नहीं हूँ दीदी, पर परेशान हूँ, मम्मी जी से ज्यादा काम होता नहीं, और पिंकी भी अभी छोटी है, कैसे सब करूँगी? चार लोगों में इतना काम हो जाता है कि शाम तक मैं थक जाती हूँ। अभी ये हाल है तो जब नया दीदी आएगी और उनकी दोनों बेटियां भी आएगी फिर क्या होगा? इतना टेंशन ना ले दीदी, नया समझदार है, सब मैनेज हो जाएगा। अपनी बहन को समझा कर नैना ने फोन रख दिया। निधि और अरुण की शादी को भी 3 साल ही हुए थे। 1 साल की बच्ची थी पिंकी, अरुण से नया उम्र में काफी बड़ी थी और शादी भी बहुत पहले हो चुकी थी। दोनों बेटियां भी समझदार थी, निधि के ससुर जी नहीं थे और सास राधा जी थोड़ी अस्वस्थ रहती थी छोटी बच्ची और काम बढ़ जाने के डर से। निधि परेशान हो रही थी, अरुण से कहकर मार्केट से सूखा नाश्ता और बिस्कुट नमकीन सब रखवा लिया था निधि ने। 2 दिन बाद की ट्रेन थी नया की। निधि ने धीरे धीरे ही गेस्ट रूम साफ कर सारी जरूरत की चीजें रख दी। मन ही मन बहुत परेशान थी निधि, फिर भी सब कुछ अपनी सास से पूछ पूछ कर कर रही थी। जिस दिन नया की ट्रेन आने वाली थी सुबह जल्दी उठ काम में लग गई। नेहा की पसंद तो पहले ही मम्मी जी से निधि ने पूछ रखा था। एक तरफ अरहर की दाल सड़ा दी और मटर पनीर की सब्जी की तैयारी शुरू कर दी। पिंकी अभी सो रही थी, तब तक जल्दी से दाल और सब्जी बन जाए तो आराम रहेगा, फिर रायता और पुलाव की तैयारी कर लूंगी, खुद से बातें करती निधि जल्दी जल्दी हाथ सला रही थी। तब तक पिंकी की रोने की आवाजें आने लगी। हे भगवान, आज ही इतनी जल्दी कैसे जाग गई? परेशान हो पिंकी को गोद में ले रसोई में जाने लगी। तब तक राधा जी पूजा करा गई। बहू पिंकी को मुझे दे दे, और ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं, एक सब्जी दाल चावल बहुत है। नेहा कोई इस गर्मी मेहमान नहीं है, और तुम इतनी गर्मी में अकेले क्या क्या करोगी? लेकिन मम्मी जी ऐसे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी शादी के बाद पहली बार बच्चों को लेकर दीदी आ रही है। जो भी हो बहू, नेहा कोई मेहमान नहीं है, जितना बोला उतना ही खाना बनेगा। मनी मन निधि खुश भी हो रही थी, चलो कम से कम मेरी सास तो समझदार ही। नेहा और बच्चों के आते ही घर में रौनक सी हो गई थी। पिंकी भी खुशी खुशी अपनी दोनों दीदी और बुआ के साथ खेलने में मस्त थी। ऐसा नहीं था कि निधि और नेहा में कोई अनबन थी, लेकिन काम बढ़ने के डर से निधि परेशान थी और खुल के खुश नहीं हो पा रही थी। अगले दिन रविवार था तो अरुण की भी छुट्टी थी। जब निधि सो के उठी तो नेहा दीदी, मम्मी जी और नेहा दीदी की दोनों बेटियां बाहर लॉन में बैठी बातें कर रही थी। अरे निधि जाग गई, तुम आ जाओ, तुम यहीं आकर हमारे पास बैठ जाओ और अरुण को भी जगा दो, वो भी यहीं आकर शाही पी ले हमारे साथ, नेहा ने निधि को कहा। ठीक है दीदी, मैं शाही बना के लाती हूँ, निधि ने कहा।
अरे उसकी टेंशन ना लो, साए बन सुखी है, फ्लक्स में है, बस तुम दोनों फ्रेश हो आओ। निधि और अरुण फ्रेश हो आए और सब सुबह सुबह की ठंडी हवा का मजा लेते, हंसी मजाक करते, गप्पे मारते, साए के मजे लेने लगे। निधि का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था बातें करने में इतनी देर में। मैं तो सब्जी बना देती, दिन सड़ने से रसोई में कितनी गर्मी हो जाती है, क्या करूं? ठीक है दीदी, आप सब बातें करो, मैं तब तक सब्जी बना देती हूँ। निधि बेसन रसोई में जाने लगी। थोड़ी देर बैठो निधि, अभी तो 7 भी नहीं बजे, थोड़ी देर बाद चले जाना, इतना कह दिया ने निधि को रोक लिया। एक घंटे बाद सब धूप लोन में आने लगी, तब सब उठ गए, सब अंदर आ गए। निधि को बहुत गुस्सा आ रहा था अपनी ननद पे कि इतना समय बर्बाद करवा दिया, अब तक नाश्ता बन चुका होता और दोपहर के खाने की भी तैयारी हो गई होती। मानी मन बुनबुनाती निधि रसोई में जाने लगी। तब तक पिंकी की रोने की आवाज आने लगी, लगता ही बहू पिंकी को भूख लग गई है। तो जा अपना दूध पिला के आ, अपनी सास की बात सुन, बुरी तरह सिड़ गई और मानी मन बड़बड़ाती रही, निधि आज तो पूरा दिन रसोई में ही रहना होगा, दिन भर इनकी फरमाइशों को पूरा करते रहो, नौकरानी समझ लिया है मुझे। पिंकी को गोद में ले निधि अपने कमरे में दूध पिलाने लगी। आधे घंटे बाद पिंकी को किसी तरह सुला के जल्दी से रसोई की तरफ भागी। यह क्या, सोले पे एक तरफ सब्जी सड़ी हुई है और रोटी के लिए आटा लग चुका था। देखा तो हॉल में दोनों लड़कियों ने सफाई का काम संभाल रखा था। अपनी आंखों पे एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ निधि को। यह क्या दीदी, मैं तो आई रही थी, आपने क्यों किया? तो क्या हुआ भाभी, आपकी छोटी बच्ची ही, और माँ ने बताया आजकल काम वाली ने भी छुट्टी कर ले रखी है, इतनी गर्मी है, सब मिलके करेंगे तो काम भी जल्दी हो जाएगा और सब गप्पे भी लगा लेंगे साथ साथ। अपनी सोच पे शर्मिंदा हो उठी निधि, मैंने क्या क्या सोच लिया था ननद रानी के लिए और उन्हें कितना ख्याल है मेरा। ठीक है दीदी, पर सोनी मोनी भी सफाई में लगी है, हमें आदत है मामी, हम अपने घर पे भी करते हैं। दोनों ने एक स्वर में अपनी मामी को कहा। सही कहा बच्चों, नेहा ने हंसते हुए कहा, हम यहाँ तुम लोगों के साथ समय बिताने आए हैं, भाभी तुम्हारा काम बढ़ाने या तुम पे बोझ बनने नहीं। नेहा की बात सुन निधि प्यार से अपनी नंदों को गले लगा लिया। आप जैसी ननद कभी अपने भाभी पर बोझ नहीं हो सकती। और ऐसे ही दोनों ननद भाभी ने हंसी खुशी सारा काम कर लिया और दोनों फ्री होकर बातें करने लग गई। दोस्तों आज की ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे।